कि अभी जो 26 जनवरी पे जो पद्मश्री का अवार्ड डार साहब को मिला, उसी के साथ साथ जो रियाज साहब को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, तो बहुत सारे लोग जो है इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं और इनका क्राफ्ट जो है सराहना चाहते हैं। और उसी सिलसिले में हमने कोशिश की कि यहाँ पे ये जो है 2-3 दिन की एग्जीबिशन हम लगाए ताकि आम लोग यहाँ पे आके इनकी जो जो क्राफ्ट है उससे इंस्पायर हो, वो ये देखें कि ये यहाँ पे जो है कारीगरी का जो स्किल सेट है कितना रिफाइंड और कितना इवॉल्व है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे नामी गिरामी आर्टिजन्स हैं उनको शोकेस करें, उनको स्पॉटलाइट करें। आज का इवेंट इन्हीं दो आर्टिजन्स के हवाले से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारी स्कीम आई और उस स्कीम जो 2020 की हमारी पॉलिसी आई उसमें बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आई जिसमें कारीगर को फोकस किया गया, क्राफ्ट को फोकस किया गया, और उसी के बाद जो डेवलपमेंट हुई यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट श्रीनगर को दर्जा दिया गया। तो ऐसी जो है इसीलिए आप देख रहे हो कि क्राफ्ट पे काफ़ी फोकस है, क्राफ्ट्समैन पे फोकस है। हमने जो क्राफ्ट सफारी स्टार्ट की, कोशिश यही थी कि बायर को हम डायरेक्टली विद आर्टिज़न कनेक्ट करें। ई कॉमर्स पे डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है, तो होपफुली आने वाले दिनों में ई कॉमर्स में हम आर्टिजन्स को डायरेक्टली जो है लाएंगे और मिडलमैनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जब आर्टिज़न को उसकी मेहनत का जायज़ मुआवजा मिलेगा तो वो जो है नई जनरेशन भी इससे इंस्पायर होगी और नए जो हमारे बच्चे हैं क्राफ्ट के सर्फे से जुड़ेंगे। मानते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो हैंडीक्राफ्ट आर्ट आर्टिफैक्ट आर्टिज़न सबके लिए जाना जाता है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमारे पद्मश्री दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं खुश हूँ इस बात पे कि ना केवल इनों के काम को सराहा गया है बल्कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। तो जैसा हम मानते हैं कि हमें आर्ट एंड क्राफ्ट को और आगे लेके जाना है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी जो है आपके लिए एग्जीबिशन लगाई गई है, तो आपके माध्यम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपने बेटे को भी ये काम में वो बहुत मेहनत से और खुश होकर ये काम कर रहा है ताकि ये आर्ट जो है हमारी आगे बढ़ती रहे। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बोलिए, बताइए, जिससे कि वो आके देखें और हमारी जो परंपरा है उसको और आगे लेके बढ़ाएं। हमारे साथ स्टेट अवार्डी भी है जिन्होंने पेपर मैशी में इस बार 26 जनवरी को इनको अवार्ड मिला था, तो ये तो शुरुआत है। जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत अभी तक हमें और आगे और मकाम हासिल करने हैं। जब G20 में पिछली बार यहाँ लोग होके गए थे तो उन्होंने भी जब आर्टिफैक्ट्स हमारे देखे थे तो उन्होंने भी कहा कि इससे बढ़िया हमें कहीं नहीं मिला, इवन चाहे वो G20 के डिफरेंट जो देशों से लोग आए थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट का महमूद साहब का, जिन्होंने इस सब चीज़ों में लगे रहते हैं और उसको प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो दोनों मेरे भाइयों को बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबको और आपके परिवार को भी, और दूसरा आप सबके माध्यम से कि सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए। मेरा नाम है रियाज अहमद खान, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ, आलमगिरी बाज़ार में रहता हूँ। मेरा इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया और 26 जनवरी अर्बन डे पर और एक अवार्ड से नवाजा गया। तो ये क्राफ्टी जो है वो पेपर मैशी है, पेपर मैशी में जितना भी हम आप इसको आगे बढ़ोगे तो और पेपर मैशी को आपको उतना दे देगा, आपको इस आपको नहीं छोड़ेगा कि आपको जितना आपको चाहे उतना दे सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमको अपने भाइयों को आपको अपील करता हूँ कम से कम 1-2 घंटे के आप हर एक क्राफ्ट के साथ दे दे, जो भी आपको क्राफ्ट पसंद है कम से कम आपको एक सहारा बन जाएगा। जब आपको अगर आपको जॉब नहीं मिल सकते हैं कम से कम आपको ये रोज़ी रोटी चला सकते हैं। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी की मगर इसके साथ साथ मैंने ये कलम भी मतलब अपने साथ चलाया और सीखा भी और बहुत सारे अवार्ड्स भी लिया गया है और भी अवार्ड्स ले जाऊँगा और इसके बाद भी, मगर इस क्राफ्ट को आप प्यार करो और उससे ज़्यादा आपको प्यार करेंगे।